बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी कुछ देर पहले मैंने एक और वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की थी, जिसमें इम्तिहानात के कैंसिलेशन के बारे में बात की गई थी। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इस वक्त कंफ्यूज और परेशान हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो हैं वो बच्चे जिनके 9वीं में सप्ली आई थी, या वो स्टूडेंट्स जिनकी फ़र्स्ट ईयर में सप्ली आई। इसके साथ दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हमारे वो स्टूडेंट्स जो कंपोजिट दे रहे हैं, यानी कि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कम्बाइन एग्ज़ाम दे रहे थे, या FSC के ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स जो कि इम्प्रूवमेंट चाहते थे अपने मार्क्स में और उन्होंने साल भर से तैयारी कर रखी थी। तो वो ये स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त ज़्यादा परेशान हैं। इसके बारे में वज़ीरे तालीम का बयान आ गया है कि इन स्टूडेंट्स के मामलों को तय करने के लिए हम बाकायदा गौर व खोज कर रहे हैं और एक कमेटी काम कर रही है, लेकिन इसके मतलब तफसीली जो फ़ैसला है वो मंडे को आएगा। उससे पहले आपने किसी भी अफवाह पे परेशान नहीं होना और ना ही अब कंफ्यूज होना है। आप लोगों के इत्मीनान की खातिर ही मैंने ये दोबारा से अपलोडिंग की, इसीलिए ताकि आप लोग परेशान ना हो। और बाकी जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं वो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, और साल भर की आपकी तैयारी थी, आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी यकीनन, और वालदैन को और असातिज़ा को भी बहुत इंतज़ार होता है, मगर हर मामले में अल्लाह ताला जो है बेहतरीन मनसूबा साज है। लिहाजा चाहे मनसूखी हो इम्तिहानात की, या पहले ताखीर होती रही है, या आप सप्ली और कंपोजिट वालों की बात है, लेकिन किसी भी सूरत हाल में आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। और जो मेडिकल के और FSC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि वो ये ऐलान काल से सुनकर बहुत खुश तो हो रहे हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को कतन मुनक़ता ना करें, क्योंकि उन्होंने बेशक बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं देने मगर एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए उन्होंने इन्हीं किताबों के साथ रब्ता भी रखना है, और ऑनलाइन अकेडमीज भी सामने आ रही हैं तैयारी के लिए। लिहाजा पढ़ाई को तर्क नहीं करना। इस तरह से HEC में के तहत आने वाले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये मशवरा है कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल भी हो जाए तो अपने पार्ट 2 की तरफ जाएं और पढ़ना शुरू कर दें। उम्मीद है कि आप इस